तेरा पात पात देखा डालिए मैं सवार, देखा यो बजानी धोरा देखा आयो त्यार, ठंडी हवा ठंडो पानी मेरे को की धार, आजा मनोला मिली हरेली को त्यार। क्यों चमचमा जुनाली रात ओ देखा चमचमा जुनाली रात, सुरमई यो भोरा चारों ओरा चारों ओरा, बादल घन गोरा फेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़ा यो मेरो पहाड़ा, यो मेरो पहाड़ा यो मेरो पहाड़ा यो मेरो पहाड़ा। तो मित्रों सही सलामत पहुंच गए हम दराली। शुभम, मैं और राज भाई और मुकुल जा रखे कहीं बाहर सामान लेने, तो हम सही सलामत दराली पहुंच चुके हैं झिंडा बुग्याल से। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना 7 ताल का ब्लॉग स्टार्ट, ठीक है। तो हमारा झिंडा ख़त्म यहाँ से स्टार्ट होता है 7 ताल। तो अभी हमने यहाँ पे रूम लिया है, ये हमारा रूम है, तो आज मस्त ढंग से हम मज़े लेंगे पूरा रूम में। सुनिए हमारा पीछे का व्यू है एकदम, आया है सेब के बगीचे, हर्षिल के सेब। ये देखो ये हमारे रूम के बाहर का व्यू, सामने गाँव है जो कि बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर गांव जिसे कहते हैं ना, और इसी के पीछे क्यारकोटी है जहां हम परसों गए थे, ठीक है। तो अभी मिलते हैं, रात को खाना खाएंगे, फिर उसके बाद कल सुबह निकलेंगे ऊपर के लिए। तो रात को मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ थोड़ा होना चाहिए ना रापचिक। मिलते हैं, बाय बाय टाटा। अभी नहाता हूँ, पहले यार 2 दिन से नहाया नहीं हूँ अभी तक, तो पानी बहुत ठंडा है, नहाऊंगा अभी, गीजर लगा हुआ रूम में, इसीलिए यही रीज़न है रूम लेने का, आज नहाऊंगा अभी मैं तसल्ली से ढंग से। बाय बाय, लव यू, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम उठे हैं सो के और फ्रेश होंगे, नाश्ता हमारा रेडी है, नाश्ता करके हम निकलते हैं। और राज भाई की पैकिंग चल रही है यहाँ पे, ये पूरा सामान पैक कर चुका है अपना, बिल्कुल सीधा एकदम नीचे वापसी आएंगे वहाँ से, और सीधा गोली सीधा यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो आपको दिखाऊँ मैं अपने रूम के बाहर का व्यू, ओह माय गॉड, ये है हमारे मित्र। गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर इन दराली। देखो सेब के, ये हमारे सेब के बगीचे, ये और सामने का, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, ऊपर से नहीं दिख रहा था क्या, यही कहते क्या, नहीं नहीं ये है, देखो मैंने कल आपको दिखाया था सामने लगाओ, आ देखो सुबह सुबह। तो अभी होते हैं रेडी, फिर निकलते हैं हम 7 ताल के लिए, और उसके बाद सीधा वापसी आएंगे, और यहाँ से गंगरानी से फिर ऋषिकेश। थैंक यू सो मच, अभी भी आंखों में नींद है, मिलते हैं फिर। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट 7 ताल जाने से पहले, ये तीसरा ब्लॉग है हमारा, तीसरा ट्रैक है। तो नाश्ता करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद मेरी नाक फटकी ठंड से, इसकी नाक देखिए आप फट चुकी है। सो वी आर रेडी टू गो, हम जा रहे हैं 7 ताल के लिए, निकल रहे हैं अभी यहाँ से। अभी गांव वाले से पूछते इसका रास्ता कहाँ से है, मेरे ख्याल से 3 से 4 किलोमीटर जाना है हमें, और आज कोशिश करें हम जल्द से जल्द पहुँचें ऊपर। सब सब नाश्ता खा के रेडी है, आराम से वी विल गो। ये बात कुछ तो बात होली मैं माँ, कोई तो बात होली सुत कोई नहीं देख दो कैसणी, सुरख खिड़की खोली सुरख सुरख। ये है धराली गांव जो कि हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे है, और बहुत सुंदर है, अति सुंदर। सो ये देखो गाइस, यहाँ पे ये एक शॉप है, उसकी क्या बोलते हैं बाइक पंचर वगैरह की। तो यहाँ से एक रास्ता है ऊपर आता है एक रास्ता, ये है 7 ताल के लिए, यहाँ से जाएंगे अभी ऊपर। भैया 7 ताल आगे, धन्यवाद भाई जी। कितने किलोमीटर हो गया यार दोस्त, यहाँ से मान के जवाब 2.5-3 किलोमीटर लगा लो बस, तब ठीक है। जोस हाय, आओ तो जोस, आज लड़कों में फुल उबाल है, फुल जोश है, क्योंकि आज किसी के पास कोई भारी सामान नहीं है एकदम, और हमारा ट्रैक है मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं ऊपर, और ये देखिए आप हर्षिल के सेब, आप दिखाता हूँ आपको, आपको दिख रहे होंगे हर्षिल के सेब, भाई यार सेब पूरे चालू है बाबा। अभी अपने डंडे से तोड़ता हूँ 1-2 किलो, और फिर खाते हैं इन्हें नमक लगा के, बढ़िया
बहुत बढ़िया। चोरी हो रही है गलत लेवल की। तो आपको अगर देखेगा तो ग्रीन एप्पल ये रहे, ये है अलग वैरायटी ऑफ सेब। हमें तीन प्रकार की वो मिल गई, क्या बोलते हैं ना, वैरायटी वैरायटी। एक अखरोट, एक बाबू मसाई बंदूकबाज और एक एप्पल सेब। अखरोट के पेड़ ने अखरोट लगे हुए सारे। तो यहाँ पे ना अभी सेब बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए ये है दवाई, कोई दवाई है इसके अंदर, ये है सेबों पे छिड़काव करने के लिए। ये देखिए आप, कुछ लोग यहाँ पे देखिए जंगल वाले गांव वाले जा रखे अंदर बगीचे के अंदर, और ये ना पूरे सेबों में छिड़काव कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सेब बहुत छोटे हैं और मौसम बहुत साफ है। तो ये बता रहे थे कि जब मौसम साफ होता है उस टाइम पे सेबों पे छिड़काव किया जाता है, तो क्योंकि अभी तो ये सेब बहुत छोटे हैं इसलिए। तो गाइस हम पहले ताल में पहुंचने वाले हैं, और अभी गांव के किसी बुजुर्ग आदमी ने हमें बताया कि 7 ताल की जगह 5 ही ताल रह गए, 5 या 4, क्योंकि 2 ताल सूख चुके हैं, तो शायद हमें 5 ही ताल देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे, मेरे ख्याल से यहां से हमें जाना ऊपर और यहां से हमें होना है राइट की तरफ। महोदय सभी ने निवेदन कुछ इस प्रकार से है कि कार्तिक जी आप कुछ बताएंगे हमारे इस जगह के बारे में। हमारा गाइस पहला ताल आने वाला है आगे पे, और मतलब कम्प्लीटली हम पहुंच चुके हैं। पहला ताल हमारे तो थोड़ा सा आगे है, और पहले ताल के बाद हम निकलेंगे दूसरे ताल के लिए। बढ़ते रहते हैं अभी आगे, और आप लोकेशन देखो कितनी तकड़ी है, कितनी प्यारी है, सेम तारकेश्वर की तरह भी है। बाकी लॉन्डो के चेहरे पे इस टाइम पे कोई सिकंज नहीं है, फुल फोटोशूट चल रहा है इस टाइम पे, फुल भड़ास निकाली जा रही है। उसे देखो, वो जो कहाँ जा रहा है वो देखो, वो लास्ट वाले को, वो अपना मजे से मेरा फ़ोन ले रहा है उधारी पे, ठीक है 100 रुपये पर आवर के रेट के हिसाब से। पर आज दोस्तों, आज आप मेरे दोस्तों के मुंह पर मुस्कान देखो यार, आज चूँकि थोड़ा 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है मात्र, और ये पूरे मस्ती लेते हुए आ रहे हैं, पूरा शूट करते हुए आ रहे हैं आज पूरा आराम से। और अभी हम पहुँचने वाले हैं पहले ताल में, तो ये आज पूरा आराम से मस्ती लेते आएँगे, शूट करते आएँगे, क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। गाइस हम पहले ताल पहुंचने वाले हैं, और उसके लिए हम एक प्यारा सा गीत सुनाएंगे आप सब लोगों को। हम होंगे कामयाब एक दिन पूरा विश्वास में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ वीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो। पात पात देखा डाली मैं सवार, देखा यो बजानी धोरा देखा आयो त्यार, ठंडी हवा ठंडो पानी मेरे गांव की धार, आजा मनोला मिली हरेली को त्यार। तो गाइस हम फाइनली अपने फर्स्ट ताल में पहुंच चुके हैं, राज भाई आते हैं यहाँ पे, खुशी की मैंने की मुस्कान देखो तुम चेहरे पे यार। चारों ओरा बादल घन गोरा, वेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़ा। रंग रंगी कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला,
यो फूलों की घाटी और यो नौ पूछिया ताल खड़ी रच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल। दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच गए अपने दूसरे ताल पे। मुझे लग रहा है ये पहले वाले से ज़्यादा सुंदर होगा और काफ़ी बड़ा भी लग रहा है मुझे। जैसे कि अगर आप लोगों को दिख रहा होगा वो भाई तो काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है। पर इसमें मिट्टी ज़्यादा है। तो ये हमारा दूसरा ताल, इसमें तो बदबू आ रही यार। हैं इसमें तो बदबू आ रही। ये है हमारा दूसरा ताल और ये काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है क्रिकेट ग्राउंड जैसा जितना बड़ा। दूसरा ताल बड़ा तो काफ़ी है बट कीचड़ ज़्यादा है इसमें बरसात की वजह से और थोड़ा सूखा हुआ भी है। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे ताल के, देखते हैं तीसरा कैसा होता है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे चार ताल पूरे हो चुके हैं, अब पांचवे के लिए निकलते हैं। पांचवे का रास्ता तो थोड़ा हमें समझ नहीं आ रहा है, पांचवे का रास्ता कहाँ से है क्या है देखना पड़ेगा। यार पांच ताल के जा तो रहे हैं बट यार रास्ता कम है पांच ताल के लिए। अब लग तो रहा है कि पांच ताल यहीं पे ही है बट रास्ता कहाँ से चला के बट डंडी ले रास्ता नहीं मिल रहा है पांच ताल के लिए। शायद यहाँ जा नहीं रहा कोई बहुत टाइम से ना, जिस चक्कर में रास्ता नहीं है। हाँ तोड़ जंगलात वाले भाई, सात ताल का रास्ता तो जो होगा पर पहले तो पाँचवें का इतना खतरनाक कि पेड़ के ऊपर चलना पड़ रहा, कोई बैठ गई। आओ 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 मित्रो, पांचवें ताल पे तो आ गए हम यार। देखो यहाँ पे पांच ताल बन रहा है बट ये पूरी घास जमी उसके ऊपर पर पूरा सूख चुका है। और वो गांव वालों ने भी कहा था हमें कि यार शायद चार ही ताल हैं, पांचवा हो सकता है बट ये भी सूखा हुआ है यार। और छठा सातवां तो पहले मना करते कि जाना मत, पूरा सूखा हुआ है तो ये पूरा रास्ता भी नहीं आगे से, जंगल है पूरा। पर यहाँ पे पांचवा सूखा हुआ है, रास्ता वैसे यहाँ से हो सकता है आगे का बट ये भी आगे पूरा पाँच छः साल जाके फायदा नहीं है क्योंकि पूरा सूखा हुआ है। यहाँ तक हम आ चुके हैं, मुकुल मैं शुभम सब कुछ आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे बैठेंगे, अभी नीचे बैठ के बातचीत करेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा ट्रैकिंग का, तीन ट्रैक हमने करे, क्या एक्सपीरियंस रहा सबका, क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ। बैठते हैं अभी कहीं पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं आराम से। तो ये पांच ताल यहीं पे ख़त्म करता हूँ, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी आगे, अभी जाएंगे गंगनानी नहाने यहाँ से नीचे उतरने के बाद। अभी मिलते हैं, पहले एक ताल ख़त्म करते हैं, पाँचवें ताल हमने ख़त्म कर दिए, ये एंड है लास्ट टाइम। आप देख लीजिए यार ये ब्यूटी, बस यहाँ पे हैं शुभम और मैं। अभी हम बताया था मैंने आपको कि हम चारों ऊपर गए थे पांचों ताल के लिए, वहाँ रास्ता नहीं है, ब्लॉक वो भी बंद है, रास्ता बिल्कुल बंद है। अरे बाकी हमको ताल का नहीं पता, ताल है या नहीं है, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं है वहाँ से आगे। हाँ और ताल भी सूखा हुआ है पांचों वाला है। तो मैं आपको ना एक बार चारों ताल ना ऐसा दिखा, चार से दिखा पाऊंगा, तीन ताल में आपको एक साथ दिखा देता हूँ। और यहाँ टॉप से देखो ये चौथा ताल, ये तीसरा ताल, वो सामने दूसरा ताल और पहला ताल और नीचे है जो कि यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो चारों ताल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए ब्लॉग में, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और यार हमारी भी काफ़ी हालत, ओह माय गॉड हमारी गिर गया था नीचे, हमारी भी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। और कल हम उस पहाड़ पे थे ऊपर वाले झंडा बुग, वहाँ से झंडा का रास्ता हरी सात ताल का। तो हमारे यहाँ पे होते कंप्लीट चार ताल, मिलते हैं आगे। अभी जाऊँगा गंगनानी में, गंगनानी हम नहाएंगे हॉट वाटर स्प्रिंग में, तो वहाँ बैठेंगे आराम से चिल करेंगे थोड़ा देर, फिर निकलेंगे हम ऋषिकेश के लिए वापस। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। अभी धराली जाएंगे नीचे मार्केट में, धराली में कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे गंगनानी, वहाँ नहाएंगे हम चारों बैठ के आराम से।
फिर वहाँ पे बैठ के तसल्ली से हम अपना ख़त्म करेंगे। तो गाइस, हम चारों दोस्त आ चुके हैं सात ताल से नीचे। सात तो नहीं है, चार ही ताल है, वो तीन ताल से नाम मार चुके हैं वो, यहाँ का ही पानी नहीं होता। तो चार ताल है, हम वहाँ से वापस आ चुके हैं। हम दराली में हैं अभी, यहाँ पे होता है सात ताल का ब्लॉक ख़त्म है।